नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सर्वधर्मी संविधान बचाओ समिति ने जोश एवं जज्बे से मनाया संविधान गौरव दिन। कल 26 नवंबर को पूरे देश ने संविधान दिन मनाया। देश भर में संविधान दिन की अहमियत को देशवासियों तक पहुंचाने अलग अलग कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में वसई क्षेत्र में वसई की सर्वधर्मी संविधान बचाओ समिति नाम की एक सामाजिक संस्था ने वसई माणिकपुर के YMCA हॉल में संविधान गौरव दिन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सर्वधर्मी संविधान बचाओ समिति के सभी बड़े छोटे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्था राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। शाम को 6 बजे के बाद शुरू हुआ यह कार्यक्रम रात के 9 बजे तक चला, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए देश के वर्तमान हालात पर टिप्पणी की। इस कार्यक्रम के दौरान मान्यवरों का स्वागत संविधान की पुस्तक एवं गुलाब का फूल देकर किया गया। कार्यक्रम में छोटे स्कूली बच्चों ने एक खूबसूरत प्रस्तुति देकर सभी को आकर्षित किया। इस कार्यक्रम की अलग अलग झलकी आप आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सर्वधर्मी संविधान बचाओ समिति की शुरुआत 2019 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए विवादित कानून CAA व NRC के खिलाफ एकत्र हुए वसई के हर तबके व समाज के लोगों द्वारा राजनीति से ऊपर उठकर संयुक्त रूप से की गई थी। तब इस समिति ने बड़े मोर्चों का आयोजन करते हुए इन दोनों विवादित कानून को हटाने की पुरजोर मांग उठाई थी, जो लगातार कुछ महीनों तक जारी रही थी। बाद में मार्च 2020 में शुरू हुए कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते इस समिति ने अपने बड़े आंदोलनों को स्थगित कर दिया था, जिनके अब फिर से शुरू होने की संभावना इस संविधान गौरव दिन समारोह में देखी गई। देखिए सेफ न्यूज लाइव की संविधान गौरव समारोह पर बनाई गई है विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949
ब्रदर, आज आप इस संविधान गौरव दिन समारंभ में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संविधान म्हटल्यानंतर बाबा साहेब आंबेडकरांनी 26 नोव्हेंबर 1949 साली ते संविधान सादर केलं आणि 26 जानेवारी 1950 साली ते भारत सरकारने स्वीकारलं. परंतु आज या संविधानाचा जो खरा आत्मा आहे, जो गाभा आहे, जो स्पिरिट आहे, तो स्पिरिट बऱ्याच वेळेला आपण विसरत आहोत. आणि तो स्पिरिट आहे धैर्याचा, करेज. तो स्पिरिट आहे प्रेमाचा, म्हणजे लव्ह. म्हणजे अशा प्रकारे ज्या वेळेला आपल्याला हे स्पिरिट करायचं असतं, त्यासाठी एक आंतरिक सामर्थ्य लागतं. ते आंतरिक सामर्थ्य म्हणजेच आपलं अध्यात्म असतं. ते अध्यात्म ज्या वेळेला माणूस पाळत असतो, तेव्हा त्याची सत्सद्विवेक बुद्धीची जडणघडण होते आणि संविधान प्रत्यक्ष आचरणामध्ये येऊ शकतं. हे तुमच्या आचरणात यावं असं परमेश्वराकडे प्रार्थना. देखिए, ये आज का दिन जो है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है. आज भारत का संविधान दिन है. आज के ही दिन 1949 में बाबा साहेब आंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया गया था और संविधान भारत सरकार को सौंपा गया था. आज हम लोगों ने यहाँ पर सर्वधर्मीय संविधान बचाओ समिति के माध्यम से संविधान गौरव दिन यहाँ पर मनाया है. यहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम के प्रमुख थे वो मौलाना सुभान खान साहब थे. बाद में हमारे यहाँ डॉक्टर अजीमुद्दीन आए थे, हमारे दत्तात्रेय धुड़े जी है, फादर डॉक्टर रॉबर्ट डिसोजा यहाँ पर आए थे, उसके साथ शशि सोनावने, मैकेंजी डाबरे, उसके साथ के प्रकाशन, ऐसे बहुत सारे जो विचारवंत है आज के ये कार्यक्रम में शामिल हुए थे. देखिए, आज हम जो जी रहे हैं, हमें जो जीने का जो हक दिया है, बोलने का जो हक दिया है, वो हमारे संविधान ने दिया है. और संविधान का गौरव करना हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य का पालन हम लोग आज किए हैं. ये हम लोगों ने सर्वधर्मीय संविधान बचाओ समिति के माध्यम से किए हैं. हम लोगों ने ये सर्वधर्मीय संविधान बचाओ समिति जब CAA और NRC ये जो कानून बने, जो संविधान के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं थे, वो उसके खिलाफ हम लोगों ने ये सर्वधर्मीय संविधान बचाओ समिति बनाई थी. और साथ लगातार हम इस माध्यम से जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं. वर्तमान में जारी किसान आंदोलन के ऊपर आपकी जो समिति है उसकी क्या भूमिका? जरूर जरूर, आपको ये बताने के लिए हम लोग खुश है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीनों काले कानून वापस लिए, उसी दिन राकेश टिकैत जी जो आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति है वो हमारे साथ थे पालघर में. तो हम लोग कंटिन्यूज जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.